Welcome to the class of applied mechanics, and the chapter is laws of forces. In this video we will discuss about the more concepts of the laws of forces. First is principle of transmissibility of forces. So according to this principle, the point of application of a force can be moved anywhere along its line of action without changing the external forces on a rigid body. So firstly students, this law is applicable to only rigid bodies. It is not applicable to deformable bodies. So what is the statement telling us? That if we change the force along its line of action on any other point, then its external effect will remain same. Anume simple words which sasangi. See this sketch shown here. This is block. Is block te a force act kar rahi hai. Hun is the line of action jede dotted for show kita hoya, you can see. Te jekar according to this principle, jekar is the line of action te apa a force nu etho chak di is the line of action te kisi hor point te la di, like here second jada block show kita hoya, ta is the external effect same rahega. Eh laws principle of transmissibility of force hai. Again second dekho, this is L channel hai, L shaped structure hai. इधर ते कोई फोर्स लग रही है फर्स्ट, राइट. सो इज द लाइन ऑफ एक्शन डॉटेड च शो किया हुआ है. सो जेकर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन ते ए फोर्स में इतों चक के लाइन ऑफ एक्शन ते किसी होर पॉइंट ते ला दा, ता भी उदा एक्सटर्नल इफेक्ट सेम रहेगा. सी इन सेकंड. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. अगेन दिस एग्जाम्पल, देर आर टू ब्लॉक्स शोइंग. In the first picture, F force is acting and this dotted line is showing us the line of action of this force. So according to this principle, agar is force nu itho apa remove karke is the line of action te kitte vi hor laga di, here or here is the jada external effect hai, इस जरा नैट एक्सटरनल इफेक्ट बॉडी के उत्ते आना है वो सेम रहेगा. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ए फोर्स. नैक्सट इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सिस. रेजोल्यूशन का मीनस होंगे कि किसी भी फोर्स नू असी स्प्लिट कर दिए इंटू इट्स कॉम्पोनेंट्स. ठीक है जी, कोई भी फोर्स, एनी फोर्स, ए बी सी डी कोई भी फोर्स है उन्हों अपा दो पार्ट्स दे विच स्प्लिट कर दी. यूजली जिहड़ी स्प्लिटिंग है दो हिस्सों दे विच हुंदी है. ठीक है, सो जिहड़े दो कंपोनेंट्स अपा डिवाइड कर लेते उन्हां दा इफेक्ट भी ओना ही रहेगा जो सिंगल फोर्स दा बॉडी दे उत्ते आ रहा सी. उन्हें कहने असी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स. ए फोर्स इज जनरली रिजॉल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, लाइक शोन दिस स्केच. दिस इज फोर्स एफ, राइट. दिस फोर्स इज स्प्लिटेड इंटू टू कॉम्पोनेंट्स विच आर मार्क्ड इन रेड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो दीज टू कॉम्पोनेंट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस सिंगल फोर्स. सो जो इस सिंगल फोर्स ने बॉडी के उत्ते एक्शन प्रोड्यूस इफेक्ट प्रोड्यूस करना सी, ए दो कॉम्पोनेंट्स भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. सो दीज आर एक्चुअली द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स एफ. सो हूँ ये कॉम्पोनेंट्स केड़े ने जी, एफ कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, एफ साइन थीटा वर्टिकल कॉम्पोनेंट है. नैक्सट इज composition of forces. This is again the reverse of resolution of forces.
रेजोल्यूशन दे विच असीं एक फोर्स नूं उहदे कंपोनेंट्स दे विच स्प्लिट कर देने आ, ते उह जिहड़े दो कंपोनेंट्स आ यूजली राइट एंगल ते हुंदे ने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुंदे आ। ठीक है जी, जिवें फोर्स सी इसदे दो कंपोनेंट बन गए, एक कॉस दा ते एक साइन दा। बट इन द कंपोजिशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज़ द कंपोजिशन, और इसनों कंपाउंडिंग भी कहते हैं। अगर आप कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस बॉडी के उत्ते लग रही ने, वो फोर्सेस बॉडी ते निकी नेट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही ने, अगर आप सारियां सॉल्व कर लिए और एक सिंगल फोर्स फाइंड कर लिए जिहदा कि इफेक्ट सेम होएगा जो कि वह सारिया फोर्सेस लगा के दे रही सी, उन्होंने असं कहे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। नाउ सी इन दिस स्केच देर इज़ वन फोर्स हॉरिजॉन्टल, सेकेंड फोर्स वर्टिकल एक्टिंग ऑन सम बॉडी, राइट। सो जेकर मैं इन्होंने दोनों सॉल्व कर ला तो मैं एक नैट फोर्स फाइंड कर ला, रिजल्टेंट जिन्हों कहने आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर ला, जिहड़ा कि जिसका इफेक्ट की सेम होएगा इन्हों दोनों इफेक्ट दे हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल दे नाल जो इफेक्ट आ रहा सी वो सेम आएगा इस नैट फोर्स के इफेक्ट तो, तेनु असीं कहांगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। लाइक हेयर इन दिस स्केच देर इज़ फोर्स ए, दिस इज़ फोर्स बी एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड वॉट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज कॉजिंग ऑन द बॉडी, दो फोर्सेस लग रही ने की हो रहा बॉडी पर। सो वो सानू दस रहे रिजल्टेंट। सो मैं की किया नंबर ऑफ फोर्सेस नू एक सिंगल फोर्स के विच बदल लिया, उस सिंगल फोर्स का इफेक्ट बॉडी पर ओना ही रहेगा जो कि नंबर ऑफ फोर्सेस दे रही सी, तो इनू असी कहांगे कंपोजिशन। तो रेजोल्यूशन विच की सी स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन दे विच एक फोर्स नू मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स स्प्लिट कर लिया, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का टोटल इफेक्ट बराबर होएगा जो सिंगल फोर्स के नाल आ रहा सी। नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम यूजली असी इक्विलिब्रियम दिया प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करन वास्ते लैने हैं। सो फ्री बॉडी डायग्राम नू असी आइसोलेटेड डायग्राम भी कहते हैं, आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम भी कहते हैं। सो इस दे विच की होंदा स्टूडेंट्स कि जो कोई बॉडी है सपोज उसके उत्ते नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही ने, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फोर्सेज इफेक्ट कर रही ने दैन उस पर्टिकुलर बॉडी पर की इफेक्ट कॉज हो रहे हैं, तो वह सानू किवें पता लगेगा, असी हर एक फोर्स नू जो एनालाइज करांगे तां ही सानू नैट इफेक्ट का पता लगेगा। तो नैट इफेक्ट लैन वास्ते सानू पहला फोर्सेस की क्लैरिटी होनी जरूरी है कि एक बॉडी के उत्ते केड़ियां केड़ियां एक्सटर्नल ते इंटरनल फोर्सेस लग रही ने। तो जो आप किसी भी बॉडी नू सैपरेटली ड्रॉ कर लिए तो उहदे उत्ते जिन्नियां फोर्सेस लग रही ने सिर्फ वो शो कीतियां जाण, उहनूं असीं कहांगे फ्री बॉडी डायग्राम। सो इट इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सिस्टम आइसोलेटेड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। जिमें उन्हें एग्जाम्पल है ये ब्लॉक ऑन ए रैम्प, आ रैम्प है ये उत्ते कोई ब्लॉक जिहदा मास एम है वह पिया होया है, तो मैं हुण जेकर फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक की फाइंड करा किहड़ी किहड़ी फोर्सिज एक्ट कर रही ने, सपोज दे मैं ब्लॉक नू सैपरेटली सिस्टम तो आइसोलेट कर लिया, ठीक है जी, सिस्टम की चीज़ है, सिस्टम आ सारा सिस्टम है, तो हूँ इस ब्लॉक नू इस सिस्टम तो सैपरेटली इतने ड्रॉ कर लिया, फिर इस ब्लॉक के उत्ते जिन्हें जिन्हें फोर्सेस लग रही ने उन्होंने शो करता, तो यह बन जाएगा जी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, हूँ जिमें एम जी की है वेट ऑफ द ब्लॉक, बट वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो आ फोर्स लग गई, दैन एफ इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक की कर रहा है ये ब्लॉक स्लाइड डाउन करेगा, ब्लॉक की टेंडेंसी स्लाइड डाउन करन दी है, रैंप दे विच पिया हुआ है, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की है मोशन तो ऑपोजिट लगती है, सो एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी शो करती, तो एन की है नॉर्मल रिएक्शन, जो तो दो सर्फेसिज कंटैक्ट दे विच होन
आ दो सर्फिसिज ने ब्लॉक दाते ब्रैम्पला सर्फिस ते कंटैक्ट विच है तो हमेशा सर्फिसिज ते परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगती है सो एन ओवर सो आ चीज़ स्टूडेंट्स सानू फ्री बॉडी डायग्राम दे रही है ब्लॉक की इस तो इलावा असी कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स में ले सकते हैं तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस अनदर एग्जाम्पल ए बुक इज़ लाइंग ऑन ए सरफेस और टेबल तो बुक के उत्ते केड़ी केड़ी फोर्सेस लग रही ने बुक का अपना वेट टेबल के उत्ते लग रहा है दैट इज़ वेट तो टेबल की रिएक्शन फोर्स बुक के उत्ते लग रही है एन सो इदा असी डिफरेंट डिफरेंट केसिस फ्री बॉडी डायग्राम सिंपलीफाई करने वास्ते ड्रॉ करते हैं अनदर इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम नू पहला तो तुसी सिंपल वर्ड्स दे विच बैलेंस तो समझो वैन समथिंग इज बैलेंसड तो उन्हें असी इक्विलिब्रियम कहांगे दैन सी दिस पिक्चर हुण इस सी सॉ दे केस विच सी सॉ दी कंडीशन देखो सी सॉ इज़ एन इक्विलिब्रियम कंडीशन मीनस इधर जिन्ना जो गर्ल बैठी है इसका जो वेट है इट इज़ सेम एज द वेट ऑफ द बॉय अदरवाइज सीसॉ की कंडीशन होंगी है राजे सीसॉ जड़ा है वो अप एंड डाउन मूव करता है ठीक है बट जेकर असी अज्यूम करिए भी कोई ऐसा केस है जिस दे विच यही हॉरिजॉन्टल सीसॉ एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन च आ गया इसका मतलब की है कि ए फोर्स राइट हैंड साइड की फोर्स लेफ्ट हैंड साइड नू बैलेंस कर रही है सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सो इफ द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड देन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सो इक्विलिब्रियम दे अनदर फॉर्म च कह सकते हैं कि जो नेट इफेक्ट जड़ा है फोर्सेस दा जीरो होवे हुण जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि जो भी कोई फोर्स बॉडी से एक्ट कर रही है तो उसने कोई इफेक्ट कॉज करना ही करना है ठीक है बट जेकर आप सोचिए भी कोई फोर्सेस इदा लग रही ने कि एक का इफेक्ट दूजा कैंसल कर रहा है तो फिर नैट इफेक्ट बॉडी के उत्ते फोर्सेस का जीरो हो जाएगा तो यदा मतलब वह इक्विलिब्रियम जी कंडीशन है अनदर एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक मीन्स कि जस्ट वाइल एट रेस्ट जो फोर्सेस एक्शन हो सो दिस इज़ द वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस एक्टिंग ऑन द बॉडी सो फ्री बॉडी डायग्राम देखो ड्रॉ की हुई है अपवर्ड एक्टिंग फोर्स डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स सो जिन्ना वेट लग रहा है उन्हें वो ऑपोजिट ही सानू रिएक्शन फोर्स जी सरफेस की बॉडी के उत्ते लग रही है सो नैट फोर्स इज जीरो अनदर इज इक्विलिब्रेंट फोर्स सो इक्विलिब्रेंट जी फोर्स है दैट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रेंट फोर्स इज ए फोर्स विच ब्रिंग्स अ बॉडी इन टू मकैनिकल इक्विलिब्रियम सो इट मीनस कि कोई यहोजी फोर्स जी कि बॉडी नू इक्विलिब्रियम दे विच ले आवे वो इक्विलिब्रेंट फोर्स है ठीक है जी जस्ट एक एग्जाम्पल चाहिए जी एग्जाम्पल शो की है किसी भी बॉडी से सपोज दो फोर्सेस लग रही ने फोर्स ए एंड बी एंड ए फोर्सेस का जोड़ा नैट इफेक्ट है वो की है रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स आर दिस इज नैट इफेक्ट ऑफ द फोर्स इट मीनस कि फोर्स ए ते बी ये जड़िया ने इक्विलिब्रियम दे विच नहीं है इट मीनस ये कोई इफेक्ट दे रही ने बॉडी ते वो इफेक्ट किदा है किन्ना होएगा रिजल्टेंट दे जिन्ना सो सपोज मैं हुण इस सारे सिस्टम नू इक्विलिब्रियम बैलेंस करना चाहनी हाँ इक्विलिब्रियम च लैके आना चाहनी हाँ तो मैं की करांगी जिन्ना नैट इफेक्ट आ रहा सी आर दिस ब्लैक एरो हेडेड फोर्स ए तो मैं उल्ट ओने ही मैगनीट्यूड दी बट ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच दूजी फोर्स लगा दा तो जो मैं ओने मैगनीट्यूड दी जिन्ना इफेक्ट आ रहा मैं बिल्कुल उस तो ऑपोजिट ओने मैगनीट्यूड दी दूसरी फोर्स लगा दा तो उसके इफेक्ट नू कैंसल आउट कर देगी लाइक दिस तो इस फोर्स नू असी इक्विलिब्रियंट कहांगे जिहड़ी फोर्स सिस्टम नू बैलेंस करन च हैल्प करे सो इक्विलिब्रियंट फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट
ठीक है जी। असी जिहड़े भी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड की सपोज ए नैट इफेक्ट आ गया जिन्हें भी मैगनीट्यूड का होएगा, तो जे मैं उसनों बैलेंस करना है कैंसल करना है तो किवें करांगे? बिल्कुल उस तो उन्ने ही मैगनीट्यूड की ओपोजिट डायरेक्शन दूसरी फोर्स लगा देंगे तो इहदा इफेक्ट जिहड़ा है वह कैंसल हो जाएगा, तो सिस्टम साडा इक्विलिब्रियम च आ जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल अगेन साढ़े को दो फोर्सिज ने किसी पॉइंट पर लग रही हैं, सो दिस पॉइंट इज ओ, 12 न्यूटन एंड 90 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सो ए कुछ इफेक्ट कॉज कर रही ने, सपोज वी हैव गॉट दैट इफेक्ट रिजल्टेंट, सानू रिजल्टेंट पता लग गया, हूँ मैं इस सिस्टम नू इक्विलिब्रियम च लैके आना है, ठीक है जी। तो की करांगे? रिजल्टेंट जिन्ना आया सी उस तो उन्ने ही मैगनीट्यूड की ओपोजिट डायरेक्शन च दूसरी फोर्स लगा देंगे तो साडा सिस्टम जिहड़ा है वह बैलेंस हो जाएगा, लाइक शोन हेयर। इन्हें असीं कहांगे इक्विलिब्रियम फोर्स। Thank you so much.